पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक का बड़ा मामला सामने आया था और इसके बाद सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में चूक की गई, जिसका परिणाम इतना गंभीर हुआ और आज राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया है। राहुल गांधी आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर शोक जताने के लिए उनके परिवार से मिलने गाँव मूसा पहुँचे। गाँव मूसा जाते वक्त पटियाला में उनका काफिला भटक गया। पटियाला में करीब 20 मिनट तक काफिले को सही रूट पर पहुंचने के लिए भटकना पड़ा। मोहाली पायलट गाड़ी के पीछे चल रहा काफिला अबन एस्टेट बाईपास से संगरूर रोड वाला रूट लेने के बजाय सीधे निकल गया। इसके बाद बड़ी नदी से होते हुए सनोरी अड्डा की तरफ पहुंचे काफिले ने पटियाला पुलिस को सूचित किया तो पुलिस अलर्ट हो गई। बाद में काफिले ने गाड़ी वापस लेते हुए देवीगढ़ रोड पहुँच सदर्न बाईपास रोड पकड़ संगरूर रोड के सही रास्ते का इस्तेमाल किया। काफिला भटकने के कारण राहुल गांधी के सुरक्षा दस्ते में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ विमान से पहुंचे थे। यहां से वह सड़क मार्ग से मानसा स्थित गांव मूसा के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनका काफिला पटियाला के पास भटक गया। इस कारण उन्हें गांव मूसा पहुंचने में देर हुई। हालांकि राहुल गांधी के काफिले के रास्ता भटकने को लेकर अभी किसी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें, सिद्धू मूसेवाला की मानसा में 29 मई को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से पंजाब में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी दल भगवंत मान सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार इस मामले में मान सरकार को घेर रही है।